क्वेश्चन, इफ ए प्लस बी रेशियो रूट अंडर ए बी इक्वल टू 4:1 वेयर ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन 0 देन ए रेशियो बी इज। तो हमें इसमें ए रेशियो बी फाइंड करना है और ये वाले पार्ट गिवन है। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें इजीली से सॉल्व करना होगा तो हमें ऑप्शन के थ्रू से सॉल्व करना होगा। और तो ऑप्शन के थ्रू से इसमें हम ओनली ये ए और सी ऑप्शन के थ्रू से सॉल्व कर सकते हैं, बी और सी से नहीं, क्योंकि इसमें ये बता रखा है कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है। तो यहाँ पे 3-√2 और ये 3+√2, इसमें 3+√2 ग्रेटर है और इस डी वाले ऑप्शन में भी 2+√3 ग्रेटर है। तो ये बी और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, हमें सिर्फ इस ए और सी को लेके चेक करना है कि इस ऊपर वाले इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये ए प्लस बी अपॉन रूट अंडर ए बी इक्वल टू 4/1 मीन्स 4, हमें ये सेटिस्फाई करानी है। तो पहले इसमें हम सी ऑप्शन को लेते हैं, तो ये वाले पार्ट ए होगा और ये बी। सो 2+√3 प्लस 2-√3 अपॉन रूट अंडर 2+√3 इंटू 2-√3 इक्वल टू, इसमें √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 और 2 4। और इसमें हम ए प्लस बी ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये होगा 2² - √3² सो 4/√3² 3 सो 4/√4 - 3 ये 1 हो गया। सो 4/1 = 4 ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसी क्वेश्चन को अगर हमें इसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी होगा, तो हम ट्रेडिशनल वे से भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ये ए प्लस बी अपॉन रूट ए बी इक्वल टू ये दिया हुआ 4/1 और इसमें हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा। और इसमें हम यूज करेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये होगा ए प्लस बी प्लस 2√ab अपॉन ए प्लस बी माइनस 2√ab इक्वल टू ये 4+2/4-2 इम्प्लाइज दैट। और इस ए को हम लिख सकते हैं √a² और बी को √b² प्लस 2 √a√b अपॉन √a² + √b² - 2√ab और ये 4 और 2 6/2 और 2 से ये कैंसिल होगा 3 सो 3/1। और इसके न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं √a + √b² upon √a - √b² इक्वल टू ये 3/1। √a + √b upon √a - √b² इक्वल टू ये 3 सो √a + √b upon √a - √b इक्वल टू स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये √3 होगा। और इसमें हम अगेन बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज करेंगे, √a + √b upon √a - √b = √3/1 बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो वी गेट √a + √b + √a - √b upon √a + √b - √a - sorry, + √b इक्वल टू √3+1/√3-1। इसमें √b कैंसिल हो गया, इसमें √a. सो इम्प्लाइज दैट 2√a/√b इक्वल टू √3+1/√3-1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इस रूट को हटाने के लिए हमें इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो ये होगा
अपॉन बी इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन रूट थ्री माइनस वन होल स्क्वायर, सो इक्वल टू, इसको अगर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये होगा थ्री प्लस टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस वन। सो ए अपॉन बी इक्वल टू फोर प्लस टू रूट थ्री अपॉन फोर माइनस टू रूट थ्री, और इसमें कॉमन है ये टू, सो टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू, इसमें भी कॉमन है ये टू माइनस रूट थ्री, सो टू से टू कैंसिल, सो ए रेशियो बी इक्वल टू टू प्लस रूट थ्री अपॉन रेशियो टू माइनस रूट थ्री आंसर।